स्टूडेंट्स बिफोर इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि वेबसाइट को स्ट्रक्चर कैसे करते हैं वेबसाइट अच्छी वेबसाइट किसको बोलते हैं अच्छा स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं एंड सो ऑन इससे पहले एक कहानी सुन लें ज़रा फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदी है उसका नाम है एलिस उसको राइटिंग का बड़ा शौक है वो सुबह उठती है वो एक पेपर पकड़ती है और अब पेपर के ऊपर वो एक अच्छी सी कहानी लिखना शुरू कर देती है और उसकी ये रूटीन है कि वो रोजाना एक पेज स्टोरी का लिखती है और उसके पास एक टाइपराइटर है जिसपे वो स्टोरी लिखती है एक पेज की और एक पेज लिखने के बाद वो पेज अपने टेबल के ऊपर रख देती है और ये उसकी रूटीन डेली की है अब जैसे जैसे दिन गुजरा एक साल गुजरा फॉर एग्जांपल तो यू कैन अंडरस्टैंड के टेबल के ऊपर 365 पेजेस हो गए यानी तीन सौ पेजेस हो गए दो साल गुजरे तो सात सौ तीस पेजेस हो गए तीन साल गुजरे तो तकरीबन ग्यारह पेजेस हो गए एंड सो ऑन अब ये इमेजिन करें कि तीन साल गुजर गए अब उसने ये फाइंड आउट करना है कि उसकी फेवरेट स्टोरी कौन सी है ग्यारह पेजेस है अब अब ये इमेजिन करें कि वो अपनी लिखी हुई स्टोरीज में से हाउ हार्ड इट इज यानी ये कितना मुश्किल होगा कि ग्यारह सौ पेजेज में से और है वो सारी स्टोरीज ही अपनी पसंदीदा स्टोरी को फाइंड करना खुद ऑथर के लिए ही कितना मुश्किल है हाउ हार्ड दिस इज अब अगर इसको मैं आगे जाके डायरेक्टली मैप करूं वेबसाइट के स्ट्रक्चर पे तो आप ये सोचें कि आपकी जो वेबसाइट है उसके अंदर कंटेंट है उसके अंदर डिफरेंट पोस्ट है एंड सो ऑन अगर आपने अपनी वेबसाइट को अच्छे तरीके से अरेंज नहीं किया होगा तो ये खुद आपके लिए ही मसला हो जाएगा कि आपकी वेबसाइट के अंदर अच्छा कंटेंट कौन सा है और लेस गुड कंटेंट कौन सा है बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपने ये बात गूगल को बतानी है कि आपकी जो वेबसाइट है उसके अंदर कंटेंट कैसे स्ट्रक्चर हुआ है अगर आप खुद लॉस्ट हो गए हैं खुद ही गुम गए हैं अपनी उस कॉन्टेंट को फाइंड आउट करने के लिए जो आपके ख्याल में सबसे बेहतर लिखा हुआ है। तो हाउ यू कैन टेल गूगल मतलब एट द एंड ऑफ द डे गूगल भी लॉस्ट हो जाएगा अगर डाटा बहुत क्लटर्ड होगा यानी बहुत बिखरा हुआ डाटा होगा जो कि ऑर्गेनाइज नहीं हुआ होगा तो ट्राई टू इमेजिन के मतलब ये चीज आपको डायरेक्टली एक पॉइंट पे लेके आती है कि जो कंटेंट आपकी वेबसाइट में पुराना हो चुका है उस वेबसाइट के कंटेंट को जो कि पुराना है उसको आप ग्रेजुअली या तो रिमूव करते जाएं या उसको रीऑर्गेनाइज करते जाएं। मतलब अगर मैं अब वेबसाइट पे आ जाऊं कुछ ऐसे वेबसाइट के अंदर वेब पेजेस हैं जिनका कंटेंट पुराना हो गया अब हमने उन वेब पेजेस को रिमूव करना है लेकिन हमें यह पता है कि हो सकता है कि उन वेब वेब पेजेस को जिनको हम डिलीट करने जा रहे हैं उनको कोई और वेब पेज रेफर कर रहे हो एंड वी नो कि लिंकिंग जो वेब पेजेस की है वो कितनी इंपॉर्टेंट है तो इसका हल ये होता है कि डिलीट करने से पहले आप उस वेब पेज को जो कि डिलीट करने जा रहे हैं किसी और वेब पेज की सिर्फ पॉइंट कर दें ताकि अगर मेरी वेबसाइट आपके उस आपकी वेबसाइट के उस वेब पेज को रेफर कर रही है जो आप डिलीट करने जा रहे हैं तो मुझे एरर ना आए मैं आप ही की वेबसाइट के किसी और वेब पेज की तरफ रेफर हो जाऊं मतलब ओल्ड कंटेंट को रिमूव करें और कंटेंट को अपडेट करते रहें रहेंट योर कैटेगरीज मतलब आप ये समझें कि जो अभी हमने एलिस की स्टोरीज देखी हैं इट वुड नाइस अगर लेट सपोज वो स्टोरी तो लिख रही थी लेकिन साथ सौ उसको कैटेगराइज भी कर देती कि ये फॉर एग्जाम्पल ह्यूमरस है मदाइस स्टोरीज की एक कैटेगरी बना देती उसकी उससे रिलेटेड सारी स्टोरीज आ जाती फॉर एग्जांपल हॉरर से रिलेटेड सारी स्टोरीज आ जाती लेट्स सपोज स्पोर्ट्स से रिलेटेड सारी स्टोरीज आ जाती तो उसके लिए फाइंड आउट करना बड़ा आसान होता कि वो किस यानी उसकी फेवरेट स्टोरी की कैटेगरी क्या है तो आपको जो कैटेगरीज हैं ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी एक कैटेगरी में बहुत ज़्यादा कॉन्टेंट हो और दूसरी कैटेगरीज में बहुत कम कॉन्टेंट हो अमूमन ए कैटेगरी में डबल नंबर ऑफ कंटेंट हो सकता है किसी दूसरी कैटेगरी के मोर देन डबल है देन यू नीड टू ऑप्टिमाइज एंड द लास्ट पॉइंट इज कि जो आपकी इंटरनल लिंकिंग है जो वेब पेज की इंटरनल लिंकिंग है वो आपकी बहुत ऑप्टिमाइज होनी चाहिए रीजन जितनी बेहतर आपकी लिंकिंग होगी वेबसाइट्स की बिटवीन वेब पेजेस एंड बिटवीन अदर वेबसाइट्स उतनी ही आपकी सर्च रिजल्ट में पेज के आने का जो चांस है वो उतना ही ज्यादा होगा अब मैं अगर पूरी डिस्कशन को रैप अप करूं तो इट इज जस्ट कंक्लूडिंग एट वन पॉइंट के ऑर्गेनाइज योर कंटेंट वेरी नाइसली ना ए कैटेगरी में बहुत ज्यादा कंटेंट रख दें ना ऐसी वेबसाइट बना दे जो किसी अपनी ही वेबसाइट के दूसरे पेजेस को रेफर नहीं कर रही और ना ही ऐसी वेबसाइट हो जिसमें कंटेंट ऑब्सलीट हो रीजन जस्ट रेफर टू माय प्रीवियस डिस्कशन कि जो सर्च इंजन के अंदर जो क्रॉलर था वो कंटिन्यूअसली आपके वेब पेज के कंटेंट को या वेबसाइट के कंटेंट को वो क्रॉल कर रहा है द मोमेंट उसको लगा कि आपके जो कॉन्टेंट है वो अपसलीट हो गए लोग उसको रेफर नहीं कर रहे या और वेबसाइट आपके कॉन्टेंट को रेफर नहीं कर रही तो इट विल हैव अ नेगेटिव इंपैक्ट ऑन योर एस सीओ एंड दिस इज नॉट कंसिडर टू बी आ वेरी गुड एस सी ओ प्रैक्टिस अगर आपने इसके अलावा और स्टडी करना है तो हम सिर्फ एक ओवरव्यू कर रहे हैं तो एक और रेफरेंस है एच टी पी एस यूस्ट वाई ओ एस टी डॉट कॉम स्लैश वाई डैश यूज डैश डैश इंटरनल डैश लिंकिंग इस अगर यू एर एल पर जाएंगे तो उस पर और बहुत ज़्यादा मटीरियल पड़ा हुआ है रिगार्डिंग द रिगार्डिंग द सेम कॉन्टेंट जो हमने अभी यहाँ पर डिस्कस किया है इससे आपको और लोगों के भी रेफरल यहाँ पे मिल जाते हैं